साथियों, वाहन की तेज़ रफ्तार और ओवरलोडिंग से आए दिन लोगों की जानें जा रही हैं। किसी की मांग उजड़ रही है तो किसी को अपने माता पिता, संतान या फिर परिवार के सदस्य को खोना पड़ रहा है। 31 जुलाई की सुबह प्रतापगढ़ जिले के लीलापुर थाना अंतर्गत लक्ष्मणपुर इलाके में भी ऐसा ही हादसा हुआ। यहाँ बच्चों को स्कूल लेकर जा रही एक मैजिक को रास्ते में लक्ष्मणपुर में सामने से आ रही पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दिया। दोनों वाहनों में टक्कर इतनी जोर की हुई कि मैजिक सड़क किनारे गड्ढे में चली गई और पिकअप सड़क किनारे जाकर पलट गई। मैजिक पर सवार नन्हे मुन्ने दर्जन भर स्कूली बच्चे घायल होने से चीखने चिल्लाने लगे। उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भागकर पहुंचे और घायल छात्रा नैन्सी, वैभव, कार्तिक, यश, आयुष, अर्पित, संजना समेत 13 बच्चों को तथा घायल मैजिक चालक शरीफ को इलाज के लिए लालगंज ट्रामा सेंटर भिजवाया। यहां चिकित्सकों ने घायल छात्रा मानसी को मृत घोषित कर दिया। हादसे से मृतक छात्रा के परिवार में कोहराम मचा है। वहीं घायल बच्चे भी घटना से सहमे हुए हैं। दोस्तों, घटना को लेकर एक बार फिर मैजिक से ओवरलोड बच्चों को लेकर स्कूल जाने का मामला सामने आया है। वहीं लक्ष्मणपुर PSC में चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों के नदारद रहने की बात भी उजागर हुई है। इसे लेकर आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर हंगामा भी किया। अब सवाल यह है कि हादसे में छात्रा की मौत और 12 छात्रों के घायल होने के बाद भी ओवरलोडिंग वाहनों, अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर जिम्मेदार कितना संजीदा हो पाते हैं या फिर सब कुछ पहले की तरह ही चलता रहेगा।